नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नाखून को देखकर जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति धनवान होगा या गरीब, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। आइए हम आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यूं तो नाखून को सुंदर और सजा संवार कर रखने की बात यूं ही नहीं की जाती। नाखून का आकार और इसका रूप रंग आपकी आर्थिक स्थिति और स्वभाव को भी दर्शाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिसके नाखून पीले होते हैं वह नपुंसक होता है। नाखूनों पर धब्बे हों और नाखून दिखने में अच्छे नहीं हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति नहीं कर पाता। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्य होती है। नाखून टेढ़े मेढ़े और रेखायुक्त होना आर्थिक दृष्टि से प्रतिकूल स्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, उत्तम नाखून जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, उनके विषय में कहा गया है कि जिनके नाखून रेखा और धब्बा रहित चिकने और लालिमा युक्त होते हैं वह धनवान होता है। नाखून का आकार उंगली के पहले पोर का आधा होना उत्तम माना गया है। सभी उंगलियों में नाखून कछुए की पीठ की तरह उभरे हुए होना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर अंगूठे का नाखून बीच में उठा हुआ है तो यह जीवन भर आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष करने का संकेत माना जाता है। दोस्तों, पुरुषों के नाखून मांस में अधिक धसे नहीं हो और गोल हो तो यह आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। ऐसा व्यक्ति दिन दुगनी उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। गर्ग संहिता के अनुसार जिस स्त्री का नाखून लाल, चमकीले, चिकने और उठे हुए होते हैं वह सौभाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री निष्ठावान होती है और जीवन में सुख सुविधाओं का उपभोग करती है। नाखून उंगली से कुछ बाहर निकले हों और गुलाबी हो तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, यह थी नाखून से संबंधित विशेष जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।